पेज नंबर 6 पर क्वेश्चन नंबर 10 अब करेंगे और यहां से हमारे क्वेश्चन के अंदर एक नई खास चीज शुरू होगी जो कि इंपॉर्टेंट है। अभी तक जितने क्वेश्चन के उसमें सारी की सारी फिगर हमें अवेलेबल होती थी, सिर्फ उसे हमें शो करना होता था कौन हमारा प्राइम कॉस्ट है, कौन हमारी फैक्ट्री ओवरहेड्स है, कौन हमारे ऑफिस ओवरहेड है, कौन हमारे शोरूम के एक्सपेंस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स है। बट अब कुछ फिगर्स आपको कंप्यूट करनी पड़ेंगी, आपको कुछ क्वांटिटी की इंफॉर्मेशन दी जाएगी बट उस क्वांटिटी की इंफॉर्मेशन से आपको वैल्यू को भी फाइंड आउट करना पड़ेगा खुद से। और ये जो वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी वो सिर्फ किसी ना किसी स्टॉक से रिलेटेड होगी, तो वो स्टॉक की वैल्यू तुम्हें बताना बंद कर देगा और वो वैल्यू तुम्हें खुद से निकालनी पड़ेगी। ये इसके अंदर एक खास बात है और आने वाले टाइम पे काफ़ी ज़्यादा यूजफुल भी रहेगी। तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बातें बोली गई हैं और क्या क्या करना है। यहाँ पर लिखा है प्रिपेयर द कॉस्ट शीट टू शो द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर बाय द कंपनी फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2011 एंड ऑल्सो फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ सेल। तो आपको एक तरह से कॉस्ट शीट बनानी है, क्लियर लिखा है इसके अंदर, उसमें आपको टोटल कॉस्ट बतानी है और बाद में पर यूनिट कॉस्ट भी फाइंड आउट करनी है। और जो डिटेल हमें गिवन है उसमें सबसे पहले स्टॉक ऑफ रॉ मेटेरियल पता चल गया ओपनिंग स्टॉक और उसके बाद फिर क्लोजिंग स्टॉक। तो ये तो हमारे लिए गुड न्यूज़ है कि ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दोनों की ही वैल्यू मिल गई है। वैल्यू वो छुपा भी सकता था और छुपाएगा तो हमें पता लगाना पड़ेगा। और ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है क्योंकि रॉ मेटेरियल है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं जी ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मेटेरियल हमें मिल गया है और जो वैल्यू है वो है ₹12,000। उसके बाद इसमें ऐड करनी पड़ेगी परचेज, फिर उसके बाद हम लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। तो ऐड कर लेते हैं परचेज ऑफ रॉ मटेरियल और जो वैल्यू यहां पे बताई गई है वो है ₹1,12,000। साथ ही में लेस भी करना पड़ेगा इसके अंदर, लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जो कि वैल्यू में दिया है ₹18,000। माइनस कर रहे हैं तो ब्रैकेट में डाल दें, टोटल ये हो जाएगा पहले 1,24,000, उसमें से 18,000 माइनस कर दें तो बच जाता है 1,06,000। और से बोलेंगे हम कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। नेक्स्ट अब उसके बाद इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग वेजेस आ गया, उसे ऐड कर लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग वेजेस जिसकी वैल्यू है ₹28,000। कोई और डायरेक्ट एक्सपेंस है तो उसे भी देख लेते हैं, आगे कोई मेजर डायरेक्ट एक्सपेंस में कोई और डायरेक्ट एक्सपेंस तो नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में ऐड करने से 1,34,000 वैल्यू होती है जिसे हम बोलेंगे अपनी कौन सी कॉस्ट है, प्राइम कॉस्ट हमारे पास आ गई है। अब इसके बाद ऐड इसमें करेंगे हम अपने फैक्ट्री के ओवरहेड्स, फैक्ट्री में होने वाले सभी खर्चों को। अब यहाँ पे देखें तो आपको यहाँ पे डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट नज़र आ रहा है, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट ले लेते हैं, आउटर कॉलम में भी डाल सकते हैं, इनर कॉलम में डाले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, तो मैं 6,000 पे यहाँ पे लिख देता हूँ। उसके बाद इसमें लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, भाई ये जो लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट है ये हमारे प्रोडक्शन का एक्सपेंस नहीं है और सभी खर्चों को यहाँ पे कॉपी पेस्ट नहीं करते हैं। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है उसे यहाँ पे नहीं लिखेंगे, फाइनेंस चार्जेस है उसे यहाँ नहीं लिखेंगे, एबनॉर्मल लॉसेज है उसे यहाँ नहीं लिखेंगे, अदर इनकम है उन्हें यहाँ पे नहीं लिखेंगे। तो ये लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी प्रोडक्शन एक्सपेंस में कंसिडर नहीं किया जाएगा। हाँ आगे फैक्ट्री रेट्स एंड टैक्सेस यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे फैक्ट्री रेट्स एंड टैक्सेस जिसकी वैल्यू यहाँ पे है ₹12,000। फैक्ट्री का रेंट आएगा यहाँ पे फिलहाल ऑफिस का रेंट है तो ये ऑफिस ओवरहेड जब शुरू करेंगे तब लिखेंगे, जनरल एक्सपेंस भी जब ऑफिस ओवरहेड शुरू करेंगे तब लिखेंगे, डिस्काउंट ऑन सेल भी सेलिंग एक्सपेंस में आएगा, एडवर्टाइजमेंट भी सेलिंग एक्सपेंस में आएगा और इनकम टैक्स पेड तो कहीं पर भी नहीं आएगा क्योंकि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट की कैटेगरी में आते हैं। नीचे उसके पास लिखे नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस 12,000 है, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स क्वांटिटी बताई जा रही है पहले 800 और 1600 यूनिट है जिसमें से उसकी वैल्यू इसके अंदर जो है उसने बताई है एक कि द टोटल कॉस्ट यूनिट ऑन हैंड ऑन 1 अप्रैल 2010 वर 11,200। यूनिट तो उसने ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों फिनिश गुड्स की बताई है लेकिन वैल्यू अगर आप देखें तो सिर्फ ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स बताई गई है और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स नहीं बताई गई है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम कैलकुलेट कर लेंगे। फिलहाल देखें तो फैक्ट्री के ओवरहेड सिर्फ यही दो है, बाकी सब ऑफिस और शोरूम के खर्चे हैं, तो इनको ऐड करें तो 18,000 हो जाएगा। और यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे हम अपनी फैक्ट्री या फिर वर्क्स कॉस्ट, इसमें ग्रॉस और नेट का कोई चक्कर नहीं रहेगा क्योंकि ग्रॉस या नेट का चक्कर तभी रहता है जब वर्किंग प्रोग्रेस हो, वो तो इसमें है नहीं।
तो 1,34,000 प्लस 18,000 करने से वैल्यू आती है 1,52,000। अब हम इसमें ऐड क्या कर लेते हैं अपने ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, और उसकी वैल्यू अगर देखें इसके अंदर तो क्या क्या आने वाले हैं इसके अंदर। सबसे पहले ऑफिस का रेंट आएगा जिसकी वैल्यू बताएगी ये ₹2,000। नेक्स्ट इसके बाद जनरल एक्सपेंस आ जाएंगे जिसकी वैल्यू है यहाँ पर ₹1,600। उसके बाद फिर हमारे शोरूम के एक्सपेंस आ रहे हैं, तो इनको यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। फिगर हमारे यहाँ 3,600 और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी क्या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, या फिर इसे क्या बोल सकते हैं अपनी ऑफिस कॉस्ट भी बोल सकते हैं। ऐड करने से फिगर आ रही है 1,55,600 और क्वेश्चन के अंदर हमें इसकी यूनिट भी बताई गई थी कितनी यूनिट हमारी प्रोड्यूस हुई है। जो यूनिट प्रोड्यूस होती है वो बाय डिफॉल्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के लिए बोली जाती है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे यहाँ पे लिख देंगे ब्रैकेट में कितनी यूनिट आई है, 12,000 पीसेस बनाने की लागत आई है ये। अब इसके बाद हमें ऐड करना होता है इसमें क्या ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, और लेस भी करना होता है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। इसकी क्वांटिटी में पता है जो है 800 पीसेस, और इसकी क्वांटिटी भी पता है हमें है 1600 पीसेस, जिसमें से 800 पीसेस की नीचे वैल्यू भी उन्होंने बताई है जो कि है 11,200 जो कि प्लस होगी, लेकिन जो माइनस होने वाली वैल्यू है उसके बारे में अभी तक हमें कोई जानकारी नहीं है, हमें ये वैल्यू खुद पता लगानी पड़ेगी, यही खास है। अभी इसकी बात करते हैं, ये काम करने के बाद लेकिन क्या आ जाएगा इसके बाद आ जाएगा हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पे आगे काम नहीं हो पाएगा इसलिए मैं आगे कंटिन्यू करूँगा, इसी स्टेप पे मैं इसे ब्रेक कर दूंगा, बीच में ब्रेक करने से बेहतर है किसी स्टेप पे आप इसे ब्रेक करें। तो मैं यहाँ पर इसे आगे कंटिन्यू करूँगा, अभी वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ। फिलहाल मैं सारे के सारे डेटा को यहाँ पे लिख दूँ पहले, फिर वैल्यू फाइंड आउट करने का प्रोसीजर शुरू करेंगे। तो ये पर्टिकुलर से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं विद रुपीज, और लास्ट वैल्यू हमने निकाली है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वही अमाउंट यहां पे लिखेंगे। अब ऐड इसमें कर देते हैं अपने कौन से एक्सपेंस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। अब देख लेते हैं कौन कौन से सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स बच गए। एक तो इसमें है डिस्काउंट ऑन सेल जिसकी वैल्यू हमें बताई गई है ₹1,200। नेक्स्ट इसमें एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर है जिसकी वैल्यू हमें बताई गई है 2,400। उसके बाद इसमें इनकम टैक्स है जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, और उसके बाद इसके अंदर और भी कोई चीज़ नहीं है, तो ये हमारे पास हो जाएंगे 3,600। अगर उसे भी ऐड कर लूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगी फिलहाल मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी, या फिर से क्या बोल सकते हैं अपनी टोटल कॉस्ट भी बोल सकते हैं। अब पूरे क्वेश्चन में सिर्फ ये जो क्वेश्चन मार्क है उसने प्रॉब्लम क्रिएट की है, वरना आगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इसकी कैलकुलेशन करने के तरीके सीख लेते हैं या कैसे कैलकुलेशन की जा सकती है। देखिए कोई भी जो स्टॉक आपका मिसिंग है उसके लिए आपको कम से कम यूनिट तो चाहिए, वैल्यू अगर मिसिंग है तो यूनिट तो कम से कम चाहिए, यूनिट हमें पता है। अब अलग अलग मेथड से इसकी कैलकुलेशन की जा सकती है, मैं डिफरेंट डिफरेंट मेथड से वैल्यूएशन करके दिखाऊंगा। सबसे पहले हमारा जो सबसे कॉमन मेथड जो यूज़ किया जाता है, डिफॉल्ट मेथड यूज़ किया जाता है, वो है फीफो मेथड। फीफो मेथड कहते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो सामान हमारे पास पुराना था हम सबसे पहले उसे बेचने की कोशिश करते हैं, उसे खत्म करते हैं, नए वाले सामान को हम बचा लेते हैं। अब यहां पे अगर देखें तो आपको पता चलेगा कि आपका जो नया माल बना वो कितना बना। देखो यहां पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पता चल रहा है कि हमने 12,000 पीस जब बनाए इस साल तो हमारी लागत कितनी आई 1,55,600। तो और उसके बाद पुराना जो सामान है वो 800 पीसेस का है जो कि कितने का है 11,200। ध्यान से समझना, इन दोनों से पर यूनिट रेट निकालो तो फर्क मिल सकता है। अगर मैं 11,200 को 800 से डिवाइड कर दूं, करके दिखाता हूं मैं आपको क्या वैल्यू होगी, 800 से डिवाइड करूं तो मेरे पास वैल्यू आ रही है ₹11,200 डिवाइड बाई 800, तो पर पीस मुझे रेट मिल गया 14 रुपए। अगर मैं करंट ईयर में बात करूं 1,55,600 डिवाइड बाई 12,000 तो मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है ₹12.96। फर्क क्यों आ गया भैया, रेट मार्केट में हर साल बदल जाते हैं, लेबर के रेट, मटेरियल के रेट, बिजली के रेट, पेट्रोल के रेट, उसकी वजह से आपकी पर यूनिट कॉस्ट बदल जाती है। तो जो पुराना हमारा स्टॉक है मेरे पास वो 14 रुपए पर पीस का आया हुआ है, और जो नया स्टॉक जो इस बार बना वो कितने का बना 11 12 रुपए 96 पैसे।
फीफो मेथड कहता है कि आपका पुराना स्टॉक बिक जाता है, वो बचता नहीं है, हम उसे बचाते नहीं है। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है तो वो कौन से वाले रेट का बचा होगा? ये जो नया रेट है 12.96 रुपए वाला, वो बचा होगा। क्योंकि हमने सबसे पहले ग्राहक आएगा तो ये 800 पीस बेचे होंगे, उसको ओपनिंग स्टॉक बेचेंगे ना पहले, उसके बाद नया माल बेचना शुरू किया तो ये तो खत्म हो गया, ये क्लोजिंग स्टॉक में नहीं आएगा, लेकिन ये क्लोजिंग स्टॉक में आ जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे रेट निकालना है, रेट पर यूनिट। फीफो मेथड में आपके लिए केवल क्लोजिंग स्टॉक का रेट निकालना ही काफी होता है, ओपनिंग स्टॉक के रेट निकालने की आवश्यकता नहीं है। और उसके लिए आपको सिर्फ क्या करना है, जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको डिवाइड कर देना है यूनिट प्रोड्यूस से। और जब हम ऐसा करते हैं तो टोटल कॉस्ट है 155,600, डिवाइड करेंगे कितने पीस बनाए हैं, 12,000 पीस, तो जब आएगा 12.96। ये 966 आ रहा है तो राउंड फिगर करके इवन में 12.97 भी बोल सकता हूं इसको। क्लियर बात समझ में आ गई? तो ये जो हमारे पास यूनिट है ये एट द रेट ऑफ 12.97 अगर मैं लिख दूं तो कोई गलत बात नहीं होगी। वैसे इसका भी रेट मैं निकाल चुका हूं जो कि 14 रुपए, जिसको कि आपको शो करने की आवश्यकता नहीं है, बट मैंने निकाल लिया तो मैं लिखा देता हूं इसमें। अच्छा, इस रेट से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 1600 को, तो जो वैल्यू मेरे पास आ रही है इसके अंदर 12.97 मल्टीप्लाई बाय ये जो वैल्यू मेरे पास आ रही है, 1-2 रुपए का फर्क आ सकता है इसमें थोड़ा सा, 20,752। इसमें कितना अमाउंट दिया हुआ है, 20,752 ही दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अब 155,600 प्लस 11,200 माइनस 20,752 अगर कर दें तो वैल्यू बच रही है हमारे पास 146,048। क्या आ गई है हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसी को यहाँ पे कंटिन्यू कर लें, 146,048 प्लस उसमें कर देते हैं 3,600, तो वैल्यू होती है 1,49,648। यहाँ पे हमारी टोटल कॉस्ट फाइनल हो गई है, सवाल इतना ही पूछा गया था। हाँ, लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा ना एक मेथड फीफो, तो इसके अलावा और भी तरीके हो सकते थे। अगर मैं दूसरा मेथड यहाँ पे लगाता, लिफो मेथड, लिफो मेथड का क्या मतलब होता है वो भी बताता हूँ। लिफो मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। ग्राहक हमारा पुराना स्टॉक नहीं पसंद करता, वो खरीदता नहीं है, वो नया वाला स्टॉक लेकर चला जाता है और पुराना स्टॉक हमारा पड़ा पड़ा सड़ता रहता है। अगर ये वाली कंडीशन यहाँ पे लगाई जाए तो इसका मतलब ये जो हमारी 1600 पीसेज है उसमें ओपनिंग स्टॉक भी पड़ा हुआ है, तो हमें ओपनिंग स्टॉक का रेट भी अब फाइनल करना पड़ेगा। तो देखो, मैंने नए प्रोडक्ट का तो रेट निकाल ही लिया, अब मैं ओपनिंग स्टॉक के साथ भी ये कैलकुलेशन करूं तो ओपनिंग स्टॉक का रेट क्या निकलेगा। ओपनिंग स्टॉक का रेट हमारा 11,200 रुपए में हमारे पास 800 पीस थे, डिवाइड करने पर कितना आ गया, 14 रुपए पर पीस। अब क्लोजिंग स्टॉक कितना है इसमें, क्लोजिंग स्टॉक हमारा है 1600 पीसेस, लेकिन ध्यान रखना पुराना स्टॉक तो ज्यादा से ज्यादा 800 ही हो सकता है, क्योंकि 800 से ज्यादा तो हमारे पास है ही नहीं ओपनिंग स्टॉक। तो इसके दो पार्ट करने पड़ेंगे, ओल्ड और न्यू। हमेशा पहले ओल्ड को अलग किया जाएगा जो कि 800 पीस है, उसके बाद जो रिमेनिंग बचेंगी वो कौन सी होंगी, वो न्यू की होंगी। अगर बाय चांस हमारे पास यहां पे 600 होता तो ओल्ड 800 तक हो सकता है, ओल्ड भी बिक गया इसका, 800 से ज्यादा ओल्ड नहीं हो सकता लेकिन 800 से कम हो सकता है। अगर यहां पे टोटल स्टॉक 500 है तो 500 सारा ओल्ड हो सकता है, 400 तो 400 सारा ओल्ड, लेकिन 1600 सारा ओल्ड नहीं हो सकता, ओल्ड ज्यादा से ज्यादा 800 ही हो सकता है, उसके बाद तो नया वाला स्टॉक होगा। और अब हमारे पास दोनों के अलग अलग रेट आ गए, भैया अगर ओल्ड है तो 14 रुपए वाला है और न्यू है तो 12.97 रुपए वाला है। और अगर मैं इसकी वैल्यू कैलकुलेट करूं तो इसकी वैल्यू तो हमारे पास हो जाएगी वही 11,200, लेकिन साथ में आपको 800 मल्टीप्लाई बाय 12.96 और करना पड़ेगा, तो जवाब हो जाएगा 10,368। और ऐसे में इन दोनों को जोड़ने के बाद टोटल जो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी वो आ जाएगी 21,568। तो अगर हम लिफो मेथड लगाएंगे तो यहां पर सिर्फ क्या करेंगे, वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे, नई वैल्यू आ जाएगी 21,568 और बाकी सारा प्रोसीजर तो सेम रहेगा। ठीक है, ये वाला मेथड भी। तीसरा एक और मेथड हो सकता था, तीसरे मेथड को यहां पर मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। तीसरा मेथड हो सकता था एवरेज मेथड, इसे वेटेड एवरेज मेथड बोलते हैं। वेटेड एवरेज मेथड में क्या करते हैं, आप कहते हैं जी पुराना नया मिक्स हो जाता है, हमारा तो पता नहीं चलता बाद में कौन सा पुराना कौन सा नया, हम कहते हैं कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो आप मुझे मिक्स करके टोटल कॉस्ट और मिक्स करके टोटल क्वांटिटी बता दो तो बात बन जाएगी। तो टोटल कॉस्ट, भाई पुराने की कॉस्ट कितनी है, 1,55,600, सॉरी पुराने की नहीं बल्कि जो नया बनाया, और पुराने की वैल्यू तो उसने बताई दी थी कितनी थी, 11,200। तो ये टोटल कॉस्ट है, मिक्स हो गई क्वांटिटी भी मिक्स करो, 12,000 क्वांटिटी तो नई बनाया उसकी है और 800 क्वांटिटी जो पुराना पड़ा है उसकी भी है।
तो टोटल कितना हो जाएगा, 1,55,600 प्लस 11,200, 1,66,800 डिवाइड बाय 12,800। और ये जो वैल्यू मेरे पास आ रही है 13.03। तो ऐसे में क्या करेंगे, ये जो 1600 पीस है क्लोजिंग स्टॉक, वो 1600 के 1600 पीस किस भाव पे ले लेंगे, हम कहेंगे 13.03 ले लो, मिक्स रेट हो गया, जो कि मिनिमम और मैक्सिमम जो आपने पुराने रेट निकाले हैं 14 रुपये भी निकाले, 12.97 रुपये निकाला है, उसके बीच का कोई रेट होगा। और अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 1600 से तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी ₹20,850, ये वैल्यू देगी। तो ये तीसरा मेथड हो गया। एक और इसमें बात हो सकती है, इस बार तो आपकी गुड न्यूज़ थी कि आपको ओपनिंग स्टॉक का रेट पता था, कोई क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है वो आपको ओपनिंग स्टॉक का रेट भी नहीं बताएगा। अगर ओपनिंग स्टॉक का रेट भी नहीं बताता तो इसमें कोई भी मेथड यूजफुल नहीं है, सिर्फ एक ही वैल्यू आपके पास है और एक ही क्वांटिटी आपके पास है। ये भी मेथड तो तब लगाओगे ना जब दो कम से कम वैल्यू हो, दो वैरायटी हो। अगर सिंगल वैरायटी हो तो कोई मेथड यूज नहीं होगा, सिंगल एक ही तरीका होगा, क्योंकि आपके पास केवल प्रोडक्शन और वैल्यू ही है और तो कुछ पता ही नहीं। हमें तो ओपनिंग स्टॉक की भी वैल्यू नहीं पता, खाली क्वांटिटी पता है। तो यहां से जो रेट निकलेगा वही हर जगह यूज कर लिया जाएगा, चाहे वो ओपनिंग स्टॉक है चाहे वो क्लोजिंग स्टॉक है। और यहां से रेट हमारा निकला था 12.97 रुपये, तो ओपनिंग स्टॉक के आगे भी 12.97 रुपये और क्लोजिंग स्टॉक के आगे भी 12.97 रुपये हो जाएगा। फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ना फीफो मेथड यूज है, ना लिफो मेथड यूज है, ना एवरेज, सिंगल एक ही मेथड है। एक और चीज, इस बार हमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल की दोनों की वैल्यू पता थी। जो प्रॉब्लम फिनिश गुड्स के साथ हुई है, सेम ये प्रॉब्लम रॉ मटेरियल के साथ भी वो दे सकते हैं। वो कह सकते हैं जी हम रॉ मटेरियल के अंदर आपको सिर्फ क्वांटिटी बता रहे कि ओपनिंग स्टॉक इतने पीसीज है और क्लोजिंग स्टॉक इतने पीसीज है, हम उसकी वैल्यू नहीं बता रहे। हम वैल्यू आपको जो बता रहे हैं वो सिर्फ किसकी बता रहे हैं, परचेज की, सॉरी परचेज की आपको क्वांटिटी और वैल्यू दोनों बताएगा, इसकी आपको क्वांटिटी बताएगा वैल्यू नहीं बताएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, जिस भाव पे माल परचेज किया उसी माल उसी भाव पे माल बचेगा। अगर आप एक यूनिट 10 रुपए के भाव पे खरीदते हो तो बच जाएगा, तो 10 रुपए यूनिट वाला ही तो माल बचेगा। तो यहां से आपको फिर से जैसे आपने यहां पे रेट निकाला बिल्कुल वैसे ही आप रेट परचेज से भी निकाल सकते हैं। परचेज रॉ मटेरियल किस रेट पे आता है और उसी रेट से आप फिर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू पता है तो फिर से फीफो मेथड, लिफो मेथड और वेटेड एवरेज मेथड लगाया जा सकता है कि जो क्लोजिंग स्टॉक बचा वो पुराने वाले का बचा या नए वाले का बचा। मतलब सेम प्रॉब्लम जो आप फिनिश गुड्स के साथ वैल्यूएशन कर रहे हैं, सेम वही वैल्यूएशन किसके साथ करना पड़ सकता है, रॉ मटेरियल के साथ भी करना पड़ सकता है। हाँ, एक चीज के साथ एक स्टॉक और होता है हमारा वर्किंग प्रोग्रेस। वर्किंग प्रोग्रेस के साथ आपको वैल्यूएशन नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वर्किंग प्रोग्रेस फिक्स नहीं होता। ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल होता है वो 0% होता है, फिक्स है उसकी वैल्यू क्योंकि उसमें कुछ और एडिशन ही नहीं हुआ। फिनिश गुड्स फिक्स है 100%, उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता, लेकिन जो वर्किंग प्रोग्रेस है वो 1% है तो कुछ और है, 10% है तो कुछ और है, 15% तैयार हो गया तो कुछ और लागत है, 90% तैयार हो गया तो कुछ और लागत है, उसकी लागत तो चेंज होती रहती है, फिक्स थोड़ी रहती है उसकी लागत। इसलिए वर्किंग प्रोग्रेस के साथ अगर कोई वैल्यू होगी तो तुम्हें देगा, क्वांटिटी देनी होगी क्वांटिटी देगा, वैल्यू तो हमेशा दे के देगा, बट वो रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स के साथ तुम्हें हो सकता है वैल्यू ना दे, क्वांटिटी से आपको वैल्यू निकालनी पड़ सकती है। क्लियर है सारी की सारी बातें?